तरबूज हमने यहाँ पर रखा हुआ है, अभी ये ठंडा हो जाएगा, इसको काट के खाएंगे। लो जी उस्ताद जी, वाटर मेलून, इसको क्या कहते हैं, वाटर मेलून, हिदवाना, तबरूज, तरबूज के तबरूज, तरबूज, तरबूज आ चुका है जी। ये देखिए गर्मी बड़ी है, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का जो है ना अभी बादल आने स्टार्ट हो चुके हैं। ये देखिए आज जो है हमारे गांव में काफ़ी ज़्यादा ना नजरो न्याज की गई है, क्या कहते हैं, न्याज दी गई है बारिश के लिए, दुआएं की गई हैं कि बारिश हो जाए। काफ़ी लंबा अरसा हो गया है, पिछले दिनों हुई थी बारिश, मैंने वीडियो भी बनाई थी, लेकिन वो इस क्या कहते हैं लेवल की बारिश नहीं थी कि लोग जो है ना जानवरों के लिए चारा वगैरह उगा सके, मुश्किल से ज़मीन गीली हुई थी फिर बारिश बंद हो। तो आज जो है शाम को मस्जिद में ऐलान हो रहा था कि आप जो है ना तमाम लोग पैसे जमा करके फिर वो न्याज की जाती है, चावल वगैरह मीठे बना के तकसीम किए जाते हैं, दुआएं की जाती हैं, नवाफिल अदा किए जाते हैं कि बारिश हो जाए। तो वो सिलसिला आज जो है हमारे गांव में जारी सारी है, अल्लाह करे कि आज जो है ना दुआएं कबूल हों लोगों की और बारिश हो जाए। लाओ जी लो जी, जवान पानी बांध रहा है, कस्सी इसने साइड में रख दी है, क्योंकि कस्सी और ये दोनों बराबर ही हैं, तो इसलिए इसने समझा कि हाथों से बांध लूँ तो बेहतर है। माशाल्लाह जी, ये मेरी बहुत हेल्प करते हैं, छोटा बेटा है ये मेरा, और अभी ये उधर हौजी भर के नहा रहे थे, मैंने कहा यार मुझे ये बांध के दे दो तुम जो है ना, इस वजह से कि थोड़ा थोड़ा काम ये सीख जाए ना। फिर मैंने चले जाना है कुछ दिनों के बाद सऊदी अरब, तो फिर जो है इनका बाबा है
और ये हैं फिर पीछे, यही इन्होंने जो है ना सिस्टम करना है। ये मकई है, इसको पानी अभी लगाया हुआ था, अभी आगे ये जा रहा है कमाद की तरफ। और ये है हमारे पास हमारा आज का जो हमने सिस्टम बनाया था, मिट्टी का तेल और नीला थोथा। और फिर जो नेक्स्ट पानी हम लगाएंगे उसके अंदर जो तेज़ाब होता है बाथ वाला, वो भी हम इसके अंदर यूज़ करेंगे, ताकि जो दीमक है वो कमाद को नुकसान दे रही है, नीचे से खा रही है, तो वो ख़त्म हो जाएगी, उसका जो खाना पीना है ना वो बंद हो जाएगा, एक तरह से मर जाएगी दीमक और कीड़े मकोड़े जो नीचे से फसल को नुकसान देते हैं। उसके लिए ये मिट्टी का तेल, नीला थोथा और बाथ वाला तेज़ाब जो है एक एक कतरा पानी में ऐसे लटका देंगे हम, तो गिरता रहेगा और पूरे पानी में शामिल हो जाएगा। अच्छा जी, पानी यहाँ पे पहुँच चुका है कमाद के करीब, और अब ये जुगाड़ हमारा कैसे काम करेगा मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये आप देख रहे हैं एक जगह से निकल रहा है, इसको हम इस तरह इसके साथ बांध देंगे और ये पानी में शामिल होके आगे जाता रहेगा। इसके अंदर जहर भी मौजूद है और ये चीज़ भी है, तो ये जो है इस तरीके से एक कतरा जो है ना, ये आप देखिए नीचे से गिर रहा है इसके साथ, तो पानी के अंदर शामिल होके आगे जाता रहेगा। तो दीमक जो है, क्योंकि इसके अंदर एक तरह से जहर है, बदबू है, तो ये मर जाएगी जो कमाद को नुकसान दे रही है। और ये हम इसका जुगाड़ जो है यहाँ इस पर मैं भी बांध देता हूँ। ये होते हैं जी हमारे देसी जुगाड़, ये लगा दिया अभी, इंशाल्लाह जो है ना ये इसके अंदर मिक्स होके जाएगा और जो भी दीमक कीड़ा मकोड़ा इस कमाद को, इस फसल को ख़राब कर रहा था वो हो जाएगा, उसका अंतिम संस्कार यानी खलास, फिनिश, मर जाएगा। इसको भी खाद देंगे और यहाँ पे जो है ये नेपर ग्रास है, फार्मिंग घास जो जिसको भी बोलते हैं, इसको भी पानी देंगे, खाद भी देंगे। आ जाओ, आगे मकई है, इसके भी पत्ते जो है ना गर्मी से झुलस रहे हैं, एक तरह से मुड़ रहे हैं, तो इसको भी अभी पानी देंगे इंशाल्लाह। एक घंटे में कमाद का हो जाएगा पानी और फिर इसको पानी हम लगा देंगे।